नितिन जी एक चार्ट देखिए, पैरामाउंट केबल्स। सर पैरामाउंट कम्युनिकेशन है या पैरामाउंट केबल है? इन्होंने मुझे जो सवाल आया वो केबल्स है और पैरामाउंट केबल्स का नाम। हाँ पैरामाउंट केबल तो कुछ नहीं यार, पैरामाउंट कम्युनिकेशन ही है सर, नाम उन्होंने चेंज किया होगा सर। हाँ उसका शायद वो जो कोड है वो पैरा केबल्स ही पैरा है। केबल, अच्छा पैरा हाँ जी केबल सर, हाँ वो पैरामाउंट कम्युनिकेशन ही है, वही जो आप बता रहे हैं ठीक है, वही है। दस एग्जैक्टली पैरामाउंट कम्युनिकेशन, पैरा रुपये केबल दस रुपये सर। अस्सी हाँ पैसे 10 रुपए 80 पैसे चल रहा है सर, थोड़ा सा इसको वेट कर लें, बिकॉज इसके अंदर में जो ब्रेकआउट बन रहा है, ब्रेकआउट पर अगर हम इसको बाई करते हैं तो मेरे लिए अच्छा मौका रहेगा इसके अंदर में अच्छी प्रॉफिट बनाने का, बिकॉज ये ब्रेकआउट लेवल मेरे पास बन रहा है सर 12 रुपए 20 पैसा का। 12 रुपए 20 पैसे पे अगर हम बाई करते हैं, या मैं बेटर बोलूंगा सबसे सेफेस्ट साइड 12 रुपए 20 पैसे के ऊपर जब भी क्लोजिंग दे दे अगर आप बाई करते हो, तो आपको इमीडिएटली मतलब ये मैं बोलूंगा 10 से 15 दिन के अंदर में आपको 16 रुपया 15 पैसे का टारगेट आ रहा है पहला। तो 12 रुपए 20 पैसे से 16 रुपए 15 पैसा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, क्योंकि 12-20 में बाई करने के बाद मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए का, 1 रुपए 20 पैसा का स्टॉप लॉस, ऊपर में आपको ऑलमोस्ट 4 रुपए का टारगेट है। बट फिलहाल अभी इस जगह पे बाई नहीं करें, 12-20 का वेट करना, आप ऑलमोस्ट 11 रुपए के आसपास चल रहा है, 1 रुपए 20 पैसा का वेट करो, आप सेफ साइड में रहोगे पूरी तरह से। तो आपका सेफ्टी हो जाएगी, पूंजी की भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। कह रहे हैं नितिन सर किन लेवल्स पे एंट्री करनी है वो बता दें।